is the class 10th subject class. Today I will discuss about the question number 4. Art exercise 5.1. Which of the following are epis if they form an epi? Find the common difference D and write 3 more terms. ये आपका है. कल इस पे कोई सवाल हुआ था क्या? तो 4 वाला पार्ट लिया था क्या? हमें लगता नहीं लिया था. Just to take first part 2, 4, 8, 16. तो इसमें आपको यह बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें कौन एपी है. तो क्या ये एपी है 2, 4? यहां देखो जरा, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 8. तो हियर डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, मीनिंग देयर बाय हियर डिफरेंस इज नॉट कॉमन. So therefore it is not an AP. ये आपकी AP नहीं है, समझ लिए? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपका 2 का हो रहा है और यहाँ पे इनमें 4 का हो रहा है और इनमें 8 का. Since here difference is not fixed of any two consecutive terms, consecutive, consecutive terms. Here the difference is not fixed of any two consecutive terms. So, given series, given series is not for an AP. अगर इसके अल्टरनेट हम एक आध और पार्ट ले लें, बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम देर आर गिवन 15 पार्ट्स, सो आई विल टेक 6 पार्ट ऑफ दिस. बहुत सारे पार्ट दिए गए, एक आध मैं डिस्कस कर देता हूँ. 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 डॉट एंड शो. ये आपका क्लियर. तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? तो इनका डिफरेंस निकालो भाई. और यहाँ पे डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि बाद वाले में से पहला माइनस करना है. तो D1 बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं A2 माइनस A1. सो दैट इंप्लाई 0.22 माइनस 0.2 का मतलब 20 माना जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन, 0.02 आएगा डिफरेंस. एंड D2 निकालो. D2 means क्या होगा? A3 माइनस A2, जैसा हम लोगों ने यहाँ ओरली निकाल दिया. सो दैट 0.2 व्हाट मींस 0.222 माइनस, हाँ बोलो बेटा, 0.22. यहाँ जीरो बढ़ा सकते हो. ऑन इंक्रीजिंग जीरो दे आर द लाइक डेसिमल टर्म्स, ये लाइक डेसिमल टर्म हो गए, अदरवाइज दे आर अनलाइक. सो नाउ गो ऑन, जीरो बढ़ाने से हम लोग लाइक कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा 2 और 0, 0,
माइनस करोगे कितना आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी अलग है और ये दे आर द डिफर नंबर डिफर डेसिमल नंबर। तो अब डी थ्री निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम डी थ्री निकालते। अगर तीन इक्वल हो जाते हैं डी वन डी टू डी थ्री तो हम कह सकते हैं कि सीरीज हैज कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस इज फिक्स्ड ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो वी सी दैट आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा डी वन नॉट इक्वल डी टू। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट एपी। आंसर क्या होगा, गिवन सीरीज इज नॉट एपी। तो यहां लिख दो नॉट एपी, बस इतना। क्लियर इन दिस वे। अब इसके एक और पार्ट ले ले, 15 पार्ट है और एक दो कर दें जिससे आपको क्लियर हो जाए। जस्ट यू सी हियर। अब जैसे मैं ले लेता हूं, ये आपका 8th पार्ट इसमें दिया गया है और ये स्टूडेंट जो मैं छोड़ता जा रहा हूं इसे अपना ट्राई करिए अकॉर्डिंग योर सर। इफ द क्वेरी आर प्रॉब्लम यू मे आस्क। माइनस वन अपॉन टू डॉट डॉट ये आपको दिया। तो जरा ये एपी है या नहीं, तो दैट्स वेरी क्लियर डिफरेंस ऑफ देम जीरो, डिफरेंस ऑफ देम जीरो। तो यहां भी एक कॉमन डिफरेंस जीरो है, ये एपी है, ठीक है, इट इज एन एपी। आप पहले लिख लो भाई, दिखाना पड़ेगा डी वन इक्वल ए टू माइनस ए वन, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। एक आप दिखा दो फिर आप बेशक आप कह दो वन अपॉन टू ये आपका जीरो डी वन एंड डी टू इक्वल आपका, ठीक है, सिमिलरली करके देख दो सिमिलरली डी टू आपका क्या होगा ए थ्री माइनस ए टू डॉट डॉट। तो ये भी आपका क्या निकलेगा जीरो। तो ऐसे ही आपका डी थ्री भी आपका जीरो आएगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा बी सी डैश डी वन इक्वल डी टू इक्वल डी थ्री इक्वल जीरो और इसी कह दिया जाएगा डी कॉमन। क्लियर। तो उसने एक चीज पूछी थी कि क्या कॉमन डिफरेंस है, तो यहां बता दो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल जीरो एंड राइट नेक्स्ट थ्री टर्म्स आल्सो। तो रिपीट कर दो आप, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो माइनस वन पॉइंट टू अब यही लिखना चाहो या यहां लिख दो एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर थ्री, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या होंगे माइनस वन अपॉइंट टू सारी टर्म होंगे नेक्स्ट क्या चाहे जितना लिखते तो दैट डॉट डॉट आंसर दिया। क्लियर हो गया। नाउ एक आध पार्ट में और लेता हूं, जैसे आई टेक द 13 पार्ट, समय भी बताना भी। एक्सप्लेन कर देता हूं, यू मे डू अकॉर्डिंग योर सेल्फ। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया है, रूट थ्री और रूट सिक्स और रूट नाइन और रूट नाइन और रूट डॉट। ये आपसे कहा जा रहा है क्या ये आपको एपी फॉर्म करेगा, तो फर्स्ट यू सिंप्लीफाई देम। यस प्लीज, इसे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे रूट थ्री और रूट सिक्स तो बना रहे
और ये रूट नाइन का मतलब थ्री हो गया, देखो। और ये आपका चाहती हो वाला फोर थ्री ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा टू रूट डॉट डॉट डॉट। तो टी टू माइनस टी वन रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, थ्री माइनस रूट सिक्स और रूट टू रूट थ्री माइनस थ्री, तो दे आर द डिफर, ठीक है। डी वन नॉट इक्वल डी टू नॉट इक्वल टी थ्री। अगर आप वैसे ही निकालोगे तो आप देखोगे अल्टीमेटली क्या देखोगे, डी वन नॉट इक्वल डी टू नॉट इक्वल टी थ्री, डी थ्री। क्यों गलत लिखो, मैं लिख देता हूँ रूट सिक्स माइनस रूट थ्री नॉट इक्वल थ्री माइनस रूट सिक्स नॉट इक्वल टू रूट थ्री माइनस थ्री। इसे सॉल्व करोगे कुछ और आएगा, इसे करोगे कुछ और आएगा, इसे करोगे कुछ और आएगा, समझ लिया। तो ये हमने दैट इज एसेंस, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉट एबी। क्या होगा भाई, नॉट एबी इन दिस वे। और भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इन दिस वे क्वेश्चन नंबर फोर अपना आप कर लीजिएगा और नाउ राइट डाउन द एच डब्ल्यू इन एच डब्ल्यू। तो अब ये एक्सरसाइज आप इसके अदर पार्ट अपने कंप्लीट कर लेना।